हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के बीच जो रस संप्रदाय की है वीडियो दी जा रही है, इसमें जो मैं आरके सर आप लोगों को रस यह पढ़ाने या रटवाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रस पूरे आपके दिमाग में छापने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यह वीडियो चाहे वह टेट हो, सुपर टेट हो या वनडे एग्जाम, कोई भी हो, कोई भी बच्चा हो, सभी प्रकार के ये परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, चाहे नेट हो, जीआरएफ हो या आप इसको टीजीटी, पीजीटी, एलटी की जितने भी विद्यार्थी हैं, यह सभी विद्यार्थियों के लिए एक मास्टर वीडियो दी जा रही है। आप इस वीडियो के माध्यम से रस को पूरे अपने दिमाग में छाप लेंगे अगर पूरी तरह से इस वीडियो को सिर्फ आप देखें। तो हम लोग पढ़ रहे थे इसमें कि जो रस होता है, वह रस में हम लोग पढ़े कि रस की उत्पत्ति कैसे हो रही है, रस की परिभाषा क्या है और रस के अंग क्या हैं। इसके बाद रस के प्रकार पढ़े, भरत मुनि के अनुसार, या रस को रसराज की श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा है, जिसमें हम लोग अब पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में हम लोग पढ़ रहे थे कि श्रृंगार रस किस रस को कहा जाता है। इसके बाद ये पढ़े कि श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, तो इसमें संयोग और वियोग श्रृंगार रस होता है। तो संयोग श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, ये अगली वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, जिसमें पहला होता है सुरति। देखिएगा, यह सुरति यह संयोग श्रृंगार रस है। सुरति संयोग श्रृंगार रस क्या होता है, इस रस के अंतर्गत जब नायक और नायिका, जो कि संयोग है, मिलन है, नायक और नायिका दोनों क्या कर रहे हैं, प्रेम में मिलने के लिए सक्रिय हो, और जब सक्रिय हो मेरे भाई, तो कौन सा रस श्रृंगार रस होगा, सुरति श्रृंगार रस। एक इसके बाद विपरीत जो हम लोग पढ़े कि विपरीत संयोग श्रृंगार रस वह होता है जिसमें नायिका क्या होती है, वह किसी काम क्रीड़ा के बाद, कोई भी काम क्रीड़ा हो, और काम क्रीड़ा के बाद जब वह बिल्कुल तरह से, सब तरह से वह सक्रिय रहती, काम क्रीड़ा करते हुए भी सक्रिय रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, विपरीत संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। यदि आगे इसमें हम लोग देखें जो सुरतांत होता है, तो इस सुरतांत जो आपका संयोग श्रृंगार रस है, इस रस के अंतर्गत जो काम क्रीड़ा के पश्चात और खेलने के पश्चात जो श्रमिक स्थिति के, जो नायिका की जो श्रमिक स्थिति होती है, जब उसकी स्थिति का वर्णन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, आपका सुरतांत श्रृंगार रस। इसमें नायिका सक्रिय होते हैं, इसमें दोनों सक्रिय होते हैं। इस सुरति के अंतर्गत दोनों सक्रिय हैं, नायक और नायिका दोनों सक्रिय हैं। इसमें नायिका सक्रिय है, जो विपरीत संयोग श्रृंगार रस है, और सुरतांत श्रृंगार रस में इसमें क्या होता है, जब काम क्रीड़ा के फल स्वरूप जब नायिका की जो स्थिति होती है, उस स्थिति का जब वर्णन किया जाए, तो उसे कहते हैं सुरतांत संयोग श्रृंगार रस। तो इस प्रकार से हमारा जो संयोग श्रृंगार रस है अब समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, कल वीडियो में देखे, अब पढ़े थे, पढ़ा रहे, देख रहे थे कि यह वियोग श्रृंगार रस क्या होता है। वियोग में यह वियोग का मतलब होगा विशेष रूप से, वियोग होगा, योग होगा, अर्थात नायक और नायिका क्या होंगे, वह नायक या नायिका में से कोई दूर चला जाएगा और वह पुनर्मिलन की आशा बनी रहती है, वही क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। तो वियोग श्रृंगार रस आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह मूल रूप से यह आपकी देखा जाए तो यह चार प्रकार का होता है, पूर्वानुराग वियोग श्रृंगार रस, मान वियोग श्रृंगार रस, और प्रवास श्रृंगार वियोग श्रृंगार रस, या चौथा जो होता है करुणात्मक वियोग श्रृंगार रस। ये हमारे चारों वियोग श्रृंगार रस हैं, और इसके यह जो वियोग श्रृंगार रस के प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं, तो चार प्रकार पढ़ लेंगे, और चार प्रकार के पढ़ने के बाद वियोग श्रृंगार रस आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। जैसे संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आपने पढ़ा कि सुरति है, एक विपरीत है,
जिसमें नायक और नायिका दोनों सक्रिय हैं। आज तक आपने जो सामान्य बुकों में पढ़े होंगे उसमें यही पढ़ाया गया होगा कि इसमें जो संयोग श्रृंगार रस होता है इसमें नायक और नायिका का मिलन होता है, वही संयोग श्रृंगार रस होता है। परंतु मेरे भाई, आप चंद्रा क्लासेज की तरफ से यह वीडियो देख रहे हैं, चंद्रा क्लासेज की ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो जो देख रहे हैं, इसमें कुछ अलग देखेंगे आप। अलग क्या देख रहे हैं कि यह सूरत ही है। जब नायक और नायिका सक्रिय है तो संयोग होगा ही, परंतु जब नायिका जो है इसमें सिर्फ सक्रिय रहे, नायक सक्रिय न रहे, तो कौन सा संयोग श्रृंगार रस होगा? विपरीत हो जाएगा। और इसमें जो सुरतांत होता है, जब काम क्रीड़ा के पश्चात नायिका की जो स्थिति बनती है उसे ही सुरतांत संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें श्रृंगार रस में आप लगभग, मुझे आशा है कि आप तीनों समझ गए होंगे। अब वियोग में हम पूर्वानुराग, मान और प्रवास और कोणात्मक वियोग श्रृंगार रस पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ताकि इसके भी प्रकार होते हैं। हम रस संप्रदाय पूरा पढ़ा रहे हैं, रस संप्रदाय क्या होता है, रस संप्रदाय के अंतर्गत किस प्रकार रस को हम पहचानते हैं। और आप पीजीटी पीजीटी या वह एग्जाम देने वाले बच्चे हैं कि जिसमें आपके आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, एक एक पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे। और इसमें देखिए, जो इसमें प्रथम नंबर पर है पूर्वानुराग, देखिए नाम ही है पूर्वानुराग वियोग श्रृंगार रस, यह है वियोग श्रृंगार रस। वह संयोग श्रृंगार रस था और यह वियोग श्रृंगार रस है, यह वियोग श्रृंगार रस है। आपने अन्य पुस्तकों में पढ़े होंगे, वह संयोग श्रृंगार रस होता है, एक वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में आप ये पढ़े होंगे कि इसको विप्रलंब वियोग श्रृंगार रस कहा जाता है। परंतु मेरे भाई, मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि यह जो आपके सामने विप्रलंब वियोग श्रृंगार रस होता है, इसकी दशाएं क्या होती, क्यों इसे कहा जाता है, इसको कहने के क्या तात्पर्य है, इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हमें जो यह है, पहला जो आपके सामने है वियोग, पूर्वानुराग वियोग श्रृंगार रस, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे और इसको अध्ययन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और यदि हम इसमें देखा जाए, यदि मेरे प्रिय भाई ये देखेंगे कि यह एक नायक होता है, किसी भी रस में एक नायक होगा और एक नायिका होगी, तभी तो। और यह नायक और नायिका किसी प्रकार का होता, हीरो हीरोइन भी होगा किसी भी रस के अस्थाई भाव के अंतर्गत, एक आश्रय और विश्रय जरूर होगा, जब तक होगा नहीं तब तक रस की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसमें जो हम पूर्वानुराग में पढ़ेंगे, तो पूर्वानुराग के अंतर्गत यह जो स्थिति बनती है, इसमें देखिए पूर्वानुराग पहले शब्द ही बता रहा है कि पूर्वानुराग होगा। अब पूर्वानुराग जो है वह किस प्रकार का होता है, इसमें यह होता है कि जो नायक और नायिका होते हैं, इनके मिलन के पूर्व, इनके जो मिलन होने वाला है, मिलन के पूर्व उनके हृदय में मिलन संबंधी व्याकुलता होती है। इसमें पूर्वानुराग, ये देखिए पूर्वा पूर्व अनुराग होगा, पूर्व पहले उसका होगा, अनुराग होगा। तो नायक और नायिका के जो प्रेम से संबंधित जो भी रस की उत्पत्ति हो रही है, और इस रस की जब उत्पत्ति हो रही है तो इसमें क्या होगा कि उसके हृदय में कौन जो आश्रय होगा, आश्रय के हृदय में जो आश्रय का हृदय होगा, इस हृदय में मिलन संबंधी जो भावनाएं रहती हैं उत्पन्न रहती हैं, मिलन संबंधी जो भावनाएं रहती हैं वह उत्पन्न रहती हैं, और उत्पन्न होने के कारण इसे पूर्वानुराग कहा गया है। पूर्व पहले मिलन से पूर्व सिर्फ हृदय में यह भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, या आश्रय के हृदय में भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। पहले देखिएगा पूर्वानुराग, पहले भावनाएं उत्पन्न हो रही है, अभी मिले नहीं हैं, मिलने से पहले उनके अंदर एक भावना उत्पन्न हो रही है, और उस भावना में उनका वियोग है। नायक और नायिका क्या है, एक दूसरे के दूर हैं, अर्थात हम ये कह लीजिए कि अभी लव स्टोरी चालू हुई है,
अभी लव स्टोरी चालू हुई है, और जब चालू हुई है तभी तो दूर है, मिलन की भावना उनके अंतर्गत बनी हुई है। तो जिसमें पूर्वा आश्रय के हृदय में जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, पहले से विद्यमान है, प्रेम उत्पन्न हो गया, रति की उत्पन्न हो गया, मगर अभी मिलन नहीं हुआ है। जब मिलन नहीं हुआ होगा तो कौन सा अनुराग होगा, कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पूर्वा अनुराग है। जब पूर्वा अनुराग होगा तभी इस रस के वियोग श्रृंगार रस बनेगा, नहीं तो कोई वियोग श्रृंगार रस बनेगा ही नहीं। अब इसके बाद इसका भी यदि इसके हम प्रकार पढ़ें कि कैसे पूर्वानुराग होता है, देखिएगा यह पूर्वानुराग कैसे होता है। यह पूर्वानुराग कैसे होता है, यह पूर्वानुराग कितने प्रकार का होता है, कैसे हम जानेंगे कि यह पूर्वानुराग। पूर्वानुराग तो सबसे पहले इसमें होता है कि प्रत्यक्ष दर्शन, क्या करेंगे, किसी का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए पूर्वानुराग हो जाएगा। अभी आपको बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष दर्शन कैसे होगा। दूसरी बात करें तो चित्र दर्शन कर लीजिए, चित्र दर्शन कर लीजिए और पूर्वानुराग हो गया वियोग श्रृंगार रस। आगे यदि नेक्स्ट की बात करें तो एक श्रवण दर्शन होता है, श्रवण दर्शन कर लीजिए और पूर्वानुराग हो गया। और इसके बाद स्वप्न दर्शन कर लीजिए, स्वप्न दर्शन कर लीजिए, पूर्वा अनुराग हो गया। देखिएगा कैसे हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यह प्रत्यक्ष दर्शन है। मान लीजिए यहां पर जैसे यह ऐश्वर्या राय हैं और इनके सामने अभिषेक बच्चन है, अभिषेक यह बच्चन है, दो नायक और नायिकाएं, और दोनों नायक और नायिकाओं में वियोग हो चुका है। अब वियोग इनमें प्रेम उत्पन्न हो गया है, इनमें रति अस्थाई भाव विद्यमान हो गया है, और जब रति विद्यमान हो गया है तो श्रृंगार रस हो गया ऐसे ही। और जब रति उत्पन्न हो गया तो ये कौन सा होगा, संयोग में श्रृंगार रस होगा, संयोग प्रेम होगा कि वियोग प्रेम होगा। यदि संयोग श्रृंगार की बात करते हो तो इसमें किसी प्रकार का संयोग होगा ही नहीं, क्योंकि ये पूर्वानुराग के प्रकार हैं, क्योंकि ये पूर्वानुराग के प्रकार हैं। अब सुनिएगा, यह एक दिन क्या करते हैं, अभिषेक बच्चन जो होते हैं ऐश्वर्या राय को देख लिए, और जब ऐश्वर्या राय को देख लिए तो प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए। अब यह क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं अब जब होगी तब यह मेरी होगी, किसी की और की नहीं होगी, और जाके अमिताभ बच्चन से कहते हैं पापा मुझे ऐश्वर्या राय पसंद हो गई, कहते हैं कि पापा मुझे ऐश्वर्या राय पसंद हो गई है। अब यह न खाते हैं न पीते हैं न सोते हैं, इनको नींद भी नहीं आती। और जब नींद नहीं आती अभिषेक बच्चन को तो ये दर्शन किए थे, और दर्शन करने के बाद खा पी नहीं रहे, न सो रहे, न कुछ रहे, कुछ कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन बड़े चिंतित हो जाते हैं कि अब बचवा को क्या करें। तो यहाँ पर यह जो नायक है, कोई भी नायक होगा, अब भगवान के प्रति भी जब ऐसी बात करेंगे तो भी आप भगवान की प्रतिमा को देख लिए, भगवान के स्वरूप को देख लिए, देखने के बाद आप जब उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है और आप वो उनके दृश्य देखकर आप उनके प्रति आत्मा में लीन होने के प्रति अब बिल्कुल व्याकुल हो गए, तो कौन सा रस, वियोग श्रृंगार रस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। जब प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए मेरे भाई तो वहां पर पूर्वानुराग वियोग श्रृंगार रस हो गया। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चित्र दर्शन, फोटो देख लिए। अब ये इसी कॉन्सेप्ट समझिए, यह अभिषेक बच्चन किसी जगह उनको फोटो देख लिए कि यह जो हमारी नायिका है, यह जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, यह विश्व सुंदरी है। अब विश्व सुंदरी होते हुए भी अब ये इन पर क्या करने लगते हैं, जब फोटो देख लिए कहते हैं यही बनेगी, पापा मेरी दुनिया में कोई, मैं किसी से शादी ही नहीं करूंगा। आज तक आज के जमाने में तत्काल बच्चे ऐसी प्रक्रिया देखने को मिल रही है। अब यह अभिषेक बच्चन भी यही प्रक्रिया कर देते हैं, चित्र देखे, फोटो देखे, और फोटो देखने के बाद लैला लैला चिल्लाएंगे कुर्ता फाड़ के, तो वो चिल्लाने लगे, और चिल्लाने लगे चित्र दर्शन कर लिए। अब चित्र दर्शन करने के बाद पूरी तरह से वियोग में बैठे हैं कि कब मिले,
तो वहां पर कौन सा वियोग श्रृंगार रस। अब दूसरा बात है श्रवण दर्शन। श्रवण दर्शन क्या होता है, इन्होंने सुन लिया कि इस संसार में कोई एक विश्व सुंदरी है और विश्व सुंदरी का नाम है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बहुत बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, सुन ली। अब ऐश्वर्या राय के प्रेम में, ऐश्वर्या राय से प्रेम करने लगे और उसको जो है कि ढूंढने लगे। और जिस प्रकार एक भक्त होता है, वह भक्त आप कबीर दास की कुछ दोहा में सुनेंगे कि जिसमें कहा गया है कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। यह सुन लिए भक्त कि जो यह भगवान है मेरे हृदय में निवास करने वाला, जिस प्रकार वह हिरण के हृदय में नाभि में कस्तूरी बसती है मगर ढूंढता रहता है, उसी प्रकार उन्होंने सुन लिया अभिषेक बच्चन कि हमारे ही इस मुंबई में ही ऐश्वर्या राय है। और उन्होंने सुनने के बाद ऐश्वर्या राय की चाहत बन जाती है और वो ऐश्वर्या राय की चाहत में बिल्कुल तरह से अपने को लीन कर जाते हैं और अपने उनसे प्रेम करने लगते हैं। प्रेम में अभी मिलन नहीं हुआ है, वियोग में तड़प रहे हैं, तो वियोग हो गया और कौन सा पूर्वानुराग। अब ये पूर्वानुराग मिलन किसी में नहीं है, इन चारों में आप देखेंगे तो इन चारों रसों में अभी किसी प्रकार का मिलन नहीं हो पा रहा है मेरे भाई। नायक और नायिका का मिलन नहीं हो पा रहा है, यह नायक है और नायिका, इनका मिलन ही नहीं हो पा रहा है। और जब मिलन नहीं हो पा रहा है तभी तो यह वियोग में पड़े हुए हैं, तभी तो वियोग में पड़े हुए हैं। यदि वियोग मिलन हो जाता तो संयोग हो जाता, चूंकि इसमें मिलन नहीं हो रहा है इसलिए वियोग में है। श्रवण कर रहे हैं, चित्र कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन करके वो क्या कर रहे हैं, ऐसे पड़े हुए हैं। और स्वप्न दर्शन की बात सुन लीजिए, आजकल बड़े कॉमेडी शो लोग कर रहे हैं और इसमें कॉमेडी शो में कपिल शर्मा शो इस समय बहुत तेज चल रहा है। अब उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कपिल शर्मा ही है, अब कपिल शर्मा में उसमें आप देखे होंगे कुछ ऐसे कॉमेडी होती है कि स्वप्न में किसी का फिगर देख लें, रात को सोए हैं और स्वप्न में देख लिए कि वह मेरे सपनों में आई थी, मेरी राजकुमारी बनी थी, और सपनों में आई थी, मेरी राजकुमारी बनी थी और मेरे घर को बसाई थी, सब कुछ मेरे साथ शादी विवाह रचाई थी। स्वप्न देख ली और स्वप्न के चक्कर में वह क्या कर गए, अब वह प्रेम कर गए स्वप्न में। कोई भी नायक नायिका के चक्कर में प्रेम कर गए और स्वप्न दर्शन हुआ सिर्फ उनको, और वह वियोग में पड़ गए कि नहीं अब यह स्वप्न सत्य होकर ही रहेगा। अरे स्वप्न सत्य करना हो, यदि स्वप्न सत्य करना हो तो जो आप लोग लगे हैं एक टीजीटी पीजीटी की सीट ला दीजिए, पूरे स्वप्न आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ऐसे स्वप्न कितने दिखेंगे पता नहीं। यह थे हमारे यह पूर्वानुराग वियोग श्रृंगार रस। चूंकि हम वियोग श्रृंगार रस चार पार्टों में पढ़ेंगे तो जो इसमें पूर्वानुराग था, मतलब इसमें नायक और नायिका का मिलन नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा है, नहीं होने के कारण वह जो नायक है क्या कर रहा है, वियोग में है। नायिका नहीं मिलन हो पा रही, नायिका वियोग में, नायिका भी हो सकती है, नायक भी हो सकता है, कोई न कोई इसमें जो आश्रय बने रहेगा वह हमेशा क्या होगा, वह वियोग में रहेगा, पूर्वानुराग रहेगा, उसके किसी प्रकार का मिलन नहीं होने हो पा रहा है, चाहे वह प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हो, चाहे वह चित्र दर्शन कर रहा हो, या श्रवण दर्शन कर रहा हो, या स्वप्न दर्शन कर रहा हो, किसी प्रकार का दर्शन करके वह वियोग में चला जा रहा है, तो वहां पर कौन सा रस, वियोग श्रृंगार रस। क्योंकि यह पूर्वानुराग है, और जब पूर्वानुराग है तो इसमें जो होगा वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अब इधर देखिए, जब उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे कि जो श्रृंगार रस होता है इसमें भी विपरीत श्रृंगार रस होता है, इसमें नायिका और नायक और नायिका का मिलन होता है मगर सिर्फ नायिका के हृदय में, नायिका के हृदय में मिलन होगा तब तो विपरीत हो जाएगा। और नायिका के जो नायक और नायिका का संयोग में जो काम क्रीड़ा के फल स्वरूप जो नायिका की स्थिति बनती है वो आपका सुरतांत बन रहा है। अब इसके बाद हम आगे आपको देखेंगे कि अगला जो होता है वह कौन होता है। तो अगला में जैसे आपका है मान वियोग श्रृंगार रस, मान वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। देखिएगा यह मान वियोग श्रृंगार रस है,
ये जो हमारा है मान वियोग श्रृंगार रस है। अब ये क्यों कहा गया पहले समझिएगा। रस मीन्स होता है आनंद की अनुभूति, श्रृंगार मीन्स प्रेम होगा, यहां आनंद होगा और प्रेम होगा, मगर आनंद कैसा कैसा प्रेम होगा, नायक और नायिका का मिलन नहीं होगा, नायक प्लस नायिका का, नायक या नायिका का मिलन नहीं होगा। जब मिलन नहीं होगा तो कौन सा रस, वियोग श्रृंगार रस। अब देखिए एक शब्द आया इसमें मान, और मान का स्थिति होती है इसमें जो मान है जो मिलन का अभाव है। देखिएगा यह जो मिलन होता है नायक और नायिका का जो मिलन होता है, और मिलन के फल स्वरूप मिलन के अभाव को, यह जो मिलन है मिलन नहीं हो पा रहा है, इस अभाव को मान कहा जाता है, अभाव को मान कहा जाता है। मान के अर्थ पहले समझिएगा, सब कुछ इसी में है और कहीं से कुछ हमको आपको देखना नहीं है कि यह जो मान वियोग श्रृंगार रस है इसमें आनंद की अनुभूति होगी, प्रेम होगा और वियोग होगा, नायक नायिका का मिलन नहीं हो पा रहा है तभी तो वियोग है, मगर कैसा मिलन होगा, जिसमें यह मिलन का अभाव है और मिलन के अभाव को मान लिया गया है तो वहां पर कौन सा मान वियोग श्रृंगार रस। जैसे अगर इसी में एक शब्द आता है, और शब्द जो है यदि इसमें कहा जाता है कि प्रिया, देखिएगा प्रिया पराध जनित कोप मान कहलाता है, मान कहलाता है, ये प्रिया अपराध है। इसको अलग कर देंगे तो प्रिय धन अपराध बन जाएगा, ये किम है, प्रिय धन अपराध बन जाएगा। तो प्रिय के जो अपराध हैं वह जनित कोप को, जो उससे प्रिय के अपराध से जो कोप, जो घटनाएं या जो भी स्थिति उत्पन्न हो रही, प्रिय के अपराध से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है और उत्पन्न होने को हम क्या कहते हैं, उसी को मान कहते हैं, उसी कोप को मान कहते हैं। जैसे सुनिएगा, यह कोई प्रिय है, किसी के प्रिया है, और प्रिया क्या कर रही है, अपने पति को देखती है, और पति क्या कर रहा है, कहीं और बाहर वाली के साथ, पति क्या है, बाहर वाली के साथ है। जब बाहर वाली के साथ है तो जो उसकी प्रिया होती है अब उससे दूर होने लगती है, अब इस नायक से दूर होने लगती है, इस पति से, वो अपने पति से दूर होने लगी, और जब पति से दूर होने लगी तो उस पर वो कुपित हो जाती है, उस पर वो क्रोधित हो जाती है, उस पर वह रुष्ट हो जाती है, और रुष्ट होने पर भी वह क्या करती है, प्रेम करती रहती है। बंधु, वह नायिका अपने नायक से रुष्ट हो गई है और नायक कहीं और लगा हुआ है, क्योंकि शादी हुई है, इन दोनों की शादी हुई है, और शादी होने पर इनके पास प्रेम था, और ये कहीं देखे दूसरे जगह लग गए, किसी के जाल में फंस गए। अब यह नायिका क्या करती है, नायिका अपने पति पर रुष्ट हो जाती है, कुपित तो हो जाती है, और कुपित रहने के बाद जो बेड पर बीच में जो होते हैं एक दीवार बन जाती है, और जब दीवार बन गई तो इसी को मान कहते हैं, इसी को मान वियोग श्रृंगार रस कहते हैं, क्योंकि ये मान रही है और अपने पति को प्रेम कर रही है, मगर प्रेम करने के फलस्वरूप दोनों एक इधर मुंह करके सोया है, एक इधर मुंह करके सोया है, और यही जो होता है मान आपका मान वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। शायद आप लोगों को आप लगभग समझ में आ गया हो, जिन लोगों को न समझ में आया हो वो अभी अपने को मान लें नायक, या अपने को विवाहित मान लें, और विवाहित मानने के बाद वो कहीं दूसरे जगह लग जाए, घर की जो पत्नी है वह क्या करे, रुष्ट हो जाए, और शाम को आए न बोले न कुछ करे, न पानी न दाना न कुछ, इसके बाद वह मुंह फुला कर दूसरे तरफ बैठे, जब दूसरे तरफ बैठे तो ऐसे जो वियोग बन रहा है, यह वियोग तो बन रहा है, जब वियोग बन रहा है तो यह मान वियोग श्रृंगार रस है। आगे देखिएगा, इसके बाद जो अगला क्रम में यदि हम देखते हैं
इसके हम लोग प्रकार पढ़ेंगे कि ये मान वियोग श्रृंगार रस, ये जो मान वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है, यह श्रृंगार रस के प्रकार कितने होते हैं, कैसे इनके हम जानेंगे कि कितने प्रकार से यह पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हुए दूरी बनाए रखते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग जो देखेंगे, देखिए कितने प्रकार का होता है, यदि प्रकार की बात कर लें तो सबसे पहले इसमें आता है ईर्ष्या मान। देखिएगा ईर्ष्या, यह आता है ईर्ष्या मान। और ईर्ष्या मान क्या है, ईर्ष्या ईर्ष्या मान वियोग श्रृंगार रस है। वियोग पूरा नाम लिखेंगे तभी समझ में आएगा, वियोग श्रृंगार रस। देखिएगा यह ईर्ष्या मान है। अब इधर वियोग श्रृंगार रस, श्रृंगार रस सबके अर्थ अब समझ रहे हैं, एक एक शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं। ये ईर्ष्या मान है। ईर्ष्या मान क्या होता है, अब आप नायिका या नायक किसी से ईर्ष्या करने लगे, किसी से जलन करने लगे, और जलन करने के फलस्वरूप जो उनमें वियोग बना हुआ है, जो उनमें वियोग बना हुआ है क्या है, ईर्ष्या मान वियोग श्रृंगार रस है। अब दूसरी बात यदि देखें तो ईर्ष्या मान भी ये आप देखेंगे कि यह तीन प्रकार का होता है। एक लघु मान होता है, लघु मान, लघु मान ईर्ष्या वियोग श्रृंगार रस। और जो दूसरा होता है मध्यमान होता है, मध्यमान वियोग श्रृंगार रस। और जो तीसरा होता है, तीसरे की बात करें तो गुरु होता है, गुरु मान वियोग श्रृंगार रस। देखिएगा यह ईर्ष्या मान तीन प्रकार का है, एक लघु मान है, मध्यमान है, गुरु मान। लघु मान में क्या होता है, जब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए नायिका ईर्ष्या करे, कुछ समय के लिए नायिका कुपित हो, तो वहां पर कौन सा होगा, देखिए लघु धन मान से बना हुआ है। लघु धन मान, मान यह आपका है, मान कुपित होना है, कुपित होना है। कौन कुपित हो रही है, वह जो नायिका है वह कुपित हो रही है। और कुपित हो रही है तो कुछ लघु माने थोड़ा, थोड़े समय के लिए वह कुपित हो तो कौन सा रस, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस का यह कौन सा पार्ट होगा, जब नायिका थोड़ी सी कुपित, थोड़े समय के लिए कुपित हुई, थोड़ी समय के लिए नाराज हुई, तो कौन सा, ईर्ष्या मान वियोग श्रृंगार रस। ईर्ष्या मान में भी अगर पूछा जाए तो यह कौन सा है, लघु मान है। लघु माने थोड़े, मान माने कुपित होना, तो थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि नायिका क्या हो रही है, कुपित हो रही है। जब थोड़े समय के लिए कुपित हो तो उसमें क्या कहते हैं, उसे हम लघु मान कहते हैं। मध्यमान, अब सुनिएगा यह गुरु मान पहले समझिए। अब जब यही नायिका लंबे समय तक कुपित रहे, लंबे समय तक अपने नायक से नाराज रहे, और लंबे समय तक जब नाराज है तो उसे क्या कहेंगे, गुरु मान कहेंगे। और दोनों के बीच न तो ज्यादा समय तक और न तो ज्यादा कम समय तक नायिका कुपित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, मध्यमान कहते हैं। वासा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आगे हम जो लोग पढ़ेंगे उसमें अगला जो हमारा वियोग श्रृंगार रस के पार्ट है उसमें है प्रवास। देखिएगा प्रवास वियोग, वियोग श्रृंगार रस। ये प्रवास वियोग श्रृंगार रस होता है। प्रवास वियोग का अर्थ समझ रहे हैं, श्रृंगार का रस का अर्थ समझ गए होंगे। आशा है कि आप इतने पॉइंट आप लोग आराम से समझ गए होंगे। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे ये प्रवास क्या होता है। प्रवास माने निवास होता है, और निवास जब नायक अपने घर से दिल्ली, बंबई, गुजरात, मद्रास या कहीं भी चले जाए, जब कहीं चले जाए वहां जाकर वह अपना रहने वाला काम कर दिया है, वहां रह रहा है, तो रहते समय वह क्या करता है, प्रवास कर लेता है, वही अपना आवास वगैरह ले करके बना करके रहने लगता है। और नायिका जो है घर पर क्या कर रही है,
नायक के वियोग में तड़प रही है कि कब आओगे, तुम कब आओगे। उसके सामने ट्रेन ही ट्रेन दिखाई देती है कि तुम कब आओगे। अब उस रूप में ये प्रवास कर लिया है, नायिका क्या है उससे दूर है, नायिका क्या है दूर है। छोड़िए उदाहरण, यह मान लीजिए कोई स्त्री घर पर है और उसका पति कमाने चला गया है। जब कमाने चल गया है, जो घर पर पत्नी है वह अपने पति के वियोग में तड़प रही है, वही क्या होगा, प्रवास वियोग श्रृंगार रस होगा। वही क्या होगा, प्रवास वियोग श्रृंगार रस होगा। अगर इसके हम प्रकार की बात करें, इसके यदि हम प्रकार की बात कर लें, यदि इसके हम प्रकार की बात करें तो जो प्रवास वियोग श्रृंगार रस होता है मेरे भाई, यह भी भावी होता है। देखिएगा, पहला है भावी और दूसरा है वर्तमान, वर्तमान और तीसरा है वर्त, तीसरा है, दूसरा है वर्तमान, वर्तमान और तीसरा है भविष्य। छोड़ी गलत हो, ये भविष्य नहीं होगा, भूत होगा। भावी मीन से भविष्य होता है, तो यह जो होगा आपका भूत हो जाएगा। ये देखिएगा, ये प्रवास वियोग श्रृंगार रस जो होता है तीन प्रकार का होता है। थोड़ी सी आपको जो ये रस का, हम रस संप्रदाय पढ़ाकर रस का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, एक एक को अलग कर रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा कि यह वियोग सिर्फ समझा रहे हैं अभी, कि वियोग श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, उदाहरण नहीं रटवाएंगे। आप उदाहरण इतना कुछ समझिए, इसके पढ़िए, पढ़ने के बाद आप जितने उदाहरण हैं देखेंगे, ऑटोमेटिक ट्रिक लगाएंगे इसमें कौन सा रस है। ये मेरा चैलेंज है, मगर आप वीडियो देखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे तब। और इसमें देखिएगा भावी है, और भावी मीन्स होता है भविष्य। भविष्य में जब नायिका क्या करे, नायिका अब सोच ले कि मेरे पति जाएंगे अब दूर कमाने के लिए, वहीं जाकर रहने लगेंगे, वहीं जाकर रहने लगेंगे, और रहने लगेंगे कि जब भावना उसके हृदय में उत्पन्न हो जाए और रोना धोना चालू कर दे, वह कौन सा हो जाएगा, भावी प्रवास वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। और यदि जिसका पति वर्तमान में उसको छोड़कर चला गया, दिल्ली बंबई गुजरात महाराष्ट्र जम्मू कर्नाटक जम्मू कश्मीर कहीं भी जाकर रहने लगा, और रहने के समय पत्नी कहीं और पर रह रही है और वह वियोग में तड़प रही है, तो कौन सा वर्तमान प्रवास वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। यदि भूत की बात कर ले, वो पहले से ही कहीं और रह रहा है और पत्नी जो है उसके वियोग में तड़प रह रही है, जाकर वहीं पर अपना आवास वगैरह बना लिया है, तो वहां पर कौन सा रस होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। और वियोग श्रृंगार रस में कौन सा होगा, प्रवास वियोग श्रृंगार रस होगा। इसके बाद यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यदि मेरे भाई थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो इसमें जो चौथा था, आप याद करिए कि करुणात्मक, करुणात्मक वियोग, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। देखिएगा, इसमें करुणात्मक है, और यह वियोग कैसे बन रहा है, करुण, यह आप यहां देखे होंगे, वियोग होगा, श्रृंगार होगा, रस होगा, आनंद होगा, प्रेम होगा, मगर वियोग हो जाएगा। पहले आनंद मिल रहा है, फिर श्रृंगार हो, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, प्रेम उत्पन्न होने के बाद वह वियोग की स्थिति में नायिका बन चुकी है, मगर वह करुणात्मक, करुणात्मक की यदि हम बात करें तो करुणात्मक के कारण नायिका जो होती है मिलन की स्थिति न, यह आशा होती है। देखिएगा, इसमें आशा न हो, आशा न बनी रहती है, न बनी रहती है, न बनी रहती है, तब वहां पर यह होगा करुणात्मक वियोग श्रृंगार रस। वह करुण भावनाओं से कहती है कि मेरे पति तो मुझे छोड़कर चले गए और वहां जाकर किसी नायिका के चक्कर में पड़ गए, वहीं पर शादी विवाह कर लिए और शादी विवाह कर लिए हैं, अपनी दुनिया बसा रहे हैं, हमें यहाँ पूर्व पत्नी क्या रहे हैं, उनकी वियोग में तड़प रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो वहां पर कौन सा होगा, करुणात्मक वियोग श्रृंगार रस। यह तो है हमारे थे कुछ
कुछ पॉइंट जैसे वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस के प्रकार को हम लोग पढ़े, तो ये कितने कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, यह स्थिति हमने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक शब्द आता है इसी आधार पर, देखिए जो राजा भोज है इन्होंने कहा है श्रृंगार सभी रसों का राजा है। क्यों है? क्योंकि आपके सामने मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा नाम दिया जाता है विप्रलंब वियोग श्रृंगार रस। देखिएगा दूसरा नाम जो दिए हैं वह दिए हैं लोग कि जो विप्रलंब है, विप्रलंब वियोग श्रृंगार रस, यह जो नाम दिया गया क्यों दिया गया, थोड़ा सी इसकी बात सुन लीजिएगा। यह विप्रलंब वियोग श्रृंगार रस है और इस वियोग श्रृंगार रस की कुछ दशाएं होती हैं और इस दशाओं पर इन्हें कहा जाता है कि यह विप्रलंब वियोग श्रृंगार रस है। देखिएगा पहले सबसे पहले इसमें आती है अभिलाषा, अभिलाषा, अभिलाषा के बाद जो दूसरे नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर आती है चिंता, दूसरे नंबर पर चिंता आती है, तीसरे नंबर पर आता है स्मरण, स्मरण, और इसके बाद जो चौथे नंबर पर आता है गुण कथन, चौथे नंबर पर आता है गुण कथन, और इसके बाद अगले आता है उद्देश्य, उद्देश्य, जो भी इसके बाद आता है प्रलाप, देखिएगा प्रलाप, और प्रलाप के बाद जो आता है उन्माद आता है, उन्माद, और उन्माद के बाद आता है जड़ता, और जड़ता के बाद आता है व्याधि, और व्याधि के बाद आती है मृत्यु। ये हमारे विप्रलंब वियोग श्रृंगार, विप्रलंब वियोग श्रृंगार रस के ये कुछ अवस्थाएं होती हैं, कुछ दशाएं होती हैं, और इन्हीं दशाओं के आधार पर, इन्हीं दशाओं के आधार पर जो होता है हम बताते हैं कि यह कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार रस है। देखिएगा क्यों है। अब ये हम एक एक पॉइंट को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे, और इसमें क्या होता है, अभिलाषा, पहला पॉइंट है अभिलाषा। अभिलाषा में जो नायक और नायिका होते हैं, और जो नायक और नायिका होते हैं उनकी वियोग की जो दशा होती है, जो वियोग की दशा मिलन की एक उत्कंठा बनी रहती है, अभिलाषा बनी रहती है, इसलिए इसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। अब ये चिंता दूसरे नंबर पर है। चिंता क्या होता है? चिंता क्या होती है? जब किसी के बारे में आप चिंतित हो जाएं हर तरह से, आप कुछ न करें न धरें न कुछ कोई काम न करें, तो वहां पर जब नायिका के प्रति आप चिंतित हो जाते हैं, कैसी होगी, क्या खाती होगी, क्या पीती होगी, क्या सोती होगी, जब इस स्त्री को देखते हैं तो वहां पर विप्रलंब वियोग श्रृंगार रस होता है, और इसमें यह चिंता के द्वारा यह स्थिति बन रही है। जब आप किसी को याद कर करके आप क्या करें वियोग में पड़ जाएं तो वह स्मरण स्थिति बन जाती है। जब आप किसी की नायिका के गुणगान करते करते उसके वियोग में तड़पने लगे तो वह क्या होता है, गुण कथन होता है। जब उद्देश्य बना लें अभिषेक बच्चन की तरह, नहीं हम ऐश्वर्या राय से शादी करेंगे, तो वहां पर जो होगा आपका वियोग से विप्रलंब वियोग श्रृंगार वियोग बन रहा है। और जब इसके बाद प्रलाप करने लगे, रोने धोने लगे, तो वहां पर भी क्या होता है, किसी नायिका के चक्कर में रोना धोना चालू कर दे, प्रेम कर रहे हैं तभी रो रहे हैं, तो वहां पर कौन सा होगा, प्रलाप वियोग श्रृंगार भी रस की दशाएं हो जाएगी। और जो उन्माद होता है, इस उन्माद के अंतर्गत क्या होता है कि विरह के कारण, विरह में जो कारण होता है, विरह में यदि वो यदि विरह अवस्था में, यह देखिएगा विरह के अधिकता के कारण जब विवेक शून्य हो जाए, विवेक और विरह की अवस्था के कारण जब आप किसी नायक का जो विवेक है, जो मस्तिष्क है, वह शून्य हो जाए, न माता की सुने न पिता की सुने, जब देखे तब एकदम वह पागल की तरह बन जाए, तो वहां पर कौन सा होता है, उन्माद दशा आती है। यदि थोड़ा से आगे बढ़ते हैं तो शरीर की चेष्टाओं को रहित, जो शरीर की चेष्टाएं हैं उसमें लगे चिल्लाने लगे, छाती पीटने लगे, तो यह जड़ता हो जाती है। और ये तीसरे नंबर पर आता है व्याधि। यदि व्याधि की बात करें तो व्याधि के अंतर्गत जो होता है वह रोग ग्रसित हो जाए, प्रेम रोग लग जाए,
प्रेम रोग लग गया है तो वहां पर जो स्थिति बनेगी वह व्याधि बनेगी, मगर जो रस होगा वह क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाए। और मृत्युवत क्या करें, अब यह मैं जो जिसमें मृत्यु यह दशा बनती है, इसके अंतर्गत जो नायक और नायिका होती है वह मृत्युवत कष्ट उठाना लगती है। और नायक क्या कहता है कि अब हम मर जाएंगे, नहीं मिलेगी तो फांसी लगा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आज के जमाने में दुनिया भर ऐसी प्रथाएं चल रही हैं और इस प्रथाओं के कारण अब यह हमारे सारे वियोग श्रृंगार रस के जो अंग थे, वियोग श्रृंगार रस के जो पार्ट थे, वियोग श्रृंगार रस के जो भी हमारे सामने यह मुझे आवश्यक लगा वह आपको हमने बता दिया। और इतना यदि आप भी पढ़ लेंगे तो कभी वियोग श्रृंगार रस से विचलित नहीं हो पाएंगे मेरे बंधु, ये मेरा चैलेंज है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे तो वियोग श्रृंगार रस में आप किसी भी प्रकार का किसी प्रकार की रचना पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यदि आप वहां से थोड़ा सा विचलित हो जाएं, आपको बता दें कि एक भी उदाहरण नहीं समझ में आए, तो मेरे पढ़ाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ही नहीं पूर्ण होगा, क्योंकि मेरी जो वीडियो बन रही है वो लंबी वीडियो बन रही है। मैं रस संप्रदाय पूरा पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपके जो है लुसेंट या आदित्य प्रकाशन या कोई प्रकाशन की बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, या बुक के अनुसार रस नहीं पढ़ाना आ रहा हूँ, पूरे रस का निचोड़ पढ़ा रहा हूँ और रस का पोस्टमार्टम करते हुए पढ़ा रहा हूँ। तो आप चंद्रा क्लासेस से अवश्य जुड़िए, ऐसी ऐसी वीडियो आपको अवश्य रूप से मिलती रहेगी और आप एक अलग ढंग से आप हर चीज पढ़ते रहेंगे। और इसी के साथ आज के लिए क्लास मैं विराम देते हुए अगली वीडियो जो आपके सामने प्रस्तुत होगी उसके लिए आगे हम देखेंगे। और आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चंद्रा क्लासेस से जुड़े रहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए नमस्कार, धन्यवाद मेरे प्यारे बंधुओं, जय हिंद।